जय हिंद। बायोलॉजी के चैप्टर में तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि इसी के द्वारा पूरे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इसलिए इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। आपके अंदर में बहुत सारी जिज्ञासाएं होगी, बहुत सारी आपके अंदर में सोच होगी, प्रश्न होंगे कि आखिरकार काम होता कैसे है, कैसे हमारा जो है हाथ वो अपना काम करता है, कैसे हम चल लेते हैं, कैसे हम बोल लेते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को सुन करके उसको पहचानते हैं, कैसे कोई चीज़ याद रह जाता है बहुत बहुत दिनों तक, और कैसे हम लोग एक समझ विकसित करते हैं अपने अंदर में। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से उसको डिकोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। इसको हम एकदम कहानी नुमा आपको समझाएंगे, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। आपने इस तरह से बहुत ही कम लोगों को पढ़ाते हुए सुना होगा, देखा होगा, तो आज हम उसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम क्या है। हम मतलब मनुष्य, हम होमो सेपियंस है। होमो एक वंश है और सेपियंस एक जाति का द्योतक है, तो हम लोग होमो सेपियंस है। आज हम लोग अपने दिमाग को पढ़ेंगे, अपने ब्रेन को पढ़ेंगे। मस्तिष्क मतलब ब्रेन होता है। तो सबसे पहले आप एक ब्रेन और माइंड, इसके बीच में अंतर समझ लीजिए। देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि ब्रेन और माइंड एक ही होता है, मस्तिष्क और जो माइंड होता है मन, वो एक ही होता है, लेकिन दोनों एक नहीं होता है, दोनों में अंतर होता है। ब्रेन वह पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर इसका सर्जरी कर दिया जाए तो अंदर से मटेरियल जो निकलेगा वो सब ब्रेन होगा। लेकिन माइंड जो होता है, माइंड एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। माइंड ब्रेन के द्वारा पैदा होता है। ब्रेन ही है जो माइंड को विकसित करता है, उसको पैदा करता है। मन बहुत चंचल है, ऐसे भी कहा गया है, मन करेगा तो तुरंत आप अमेरिका पहुंच गए, तुरंत आप कहीं और पहुंच गए। कल्पनाओं को पैदा करता है। ये जो ब्रेन है, ये कैसे कल्पनाओं को पैदा करता है, कैसे मन को पैदा करता है, इस पर अभी वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं। धीरे धीरे ये रिसर्च चल रहे हैं तो पता लगेगा, अभी तक एकदम एग्जैक्ट पता तो नहीं चल पाया है हम लोग। इसीलिए आज हम लोग सिर्फ ब्रेन का अध्ययन करेंगे। तो ब्रेन के बारे में आप समझ लीजिए कि वह नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, और नर्वस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ब्रेन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिस्टम कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जो सब एक प्रकार के काम को करता हो। अगर उस सिस्टम से किसी भी एक पार्ट को हटा के बाहर कर दिया जाए तो वह सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करेगा। जैसे मोटर है, मोटर में क्या करेंगे, किसी एक नट को आप हटा दीजिए खोल करके, या मोटर के अंदर से किसी एक बोल्ट को हटा दीजिए, तो मोटर सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि वह एक यूनिटी में काम करता है, एक सिस्टम में काम करता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी बहुत सारे अंग हैं, और वो सारे अंग मिल करके अलग अलग वर्क को करते हैं। तो एक ऐसा अंगों का समूह जो एक ही प्रकार के कामों को करता हो, उसको सिस्टम कहेंगे। ऐसे सरकार में भी देखते हैं, सिस्टम होता है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी सिस्टम बने हुए हैं। अब सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। आपको स्केलेटन सिस्टम को भी जानना है। हमारे शरीर में एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है, उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस तरह से कई प्रकार के तंत्र होते हैं हमारे शरीर में, 8-9 से भी ज़्यादा प्रकार के तंत्र होते हैं। तो उन सब तंत्र के बारे में तो अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी में। तंत्रिका जो होता है एक प्रकार की कोशिकाएँ है, इसको कहते हैं न्यूरोन्स, या ना नर्वस इसको इसीलिए बोला जाता है। तो तंत्रिका जो है ना, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है ब्रेन, जिसको अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि मस्तिष्क जो है हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हम कैसे सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, किस तरह से हम याद रख लेते हैं किसी चीज़ को, इन सब सारे चीज़ों का जो केंद्र बिंदु है वह मस्तिष्क ही है। वो सारा यहीं पर होता है, सारा क्रिया यहीं पर होता है। कोई हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लग जाता है, कोई कोई बात कह देता है तो बड़ा लगता है कि ये क्या करे, एकदम गुस्सा में भर जाते हैं। किसी को देख करके बड़ा उसके प्रति स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो ये कैसे होता है। कोई शराब पीता है तो एकदम डगमगा जाता है, ऐसे ऐसे चलने लगता है, क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में इस सब मस्तिष्क में ही आपको जानना है, इसी के बारे में आपको पता लगेगा अभी। तो देखिए, ब्रेन को सबसे पहले समझिए। हमारे शरीर के अंदर में जो ब्रेन होता है उसका भार कितना है, इसका जो भार है वह 1300 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक होता है।
अब आप कहेंगे 1300 से 1450 ग्राम ये कैसे हुआ? तो देखिए महिलाएं जो होती है उसके अंदर में जो ब्रेन होता है उसका वजन कम होता है, वो 1300 से लेके 1350 ग्राम तक होता है महिलाओं में ब्रेन का वजन, और पुरुष में जो है पुरुष में 1400 से लेके 1450 ग्राम तक उसका भार होता है ब्रेन का। तो इससे आपको एक बात तो स्पष्ट हो रही होगी कि पुरुषों में जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, भार ज़्यादा है, और महिलाओं में कम होता है। तो ऐसे लोग कह लेते ना कि महिलाओं के पास तो दिमाग ही नहीं है, महिलाओं के पास तो ब्रेन ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं का जो ब्रेन होता है वो पुरुषों से कम होता है, तो ऐसी बात भी नहीं है। महिलाएँ भी उतना ही इंटेलिजेंट होती है, उनमें भी विजडम होता है, उनमें भी स्किल्स होता है, उनकी अंदर भी कौशल और जो बुद्धि का स्तर है वो किसी से कम नहीं रहता है पुरुषों की तुलना में, लेकिन वजन सिर्फ कम है। ऐसे भी स्वाभाविक रूप से महिलाओं का पूरा शरीर का वजन ही कम होता है पुरुषों की तुलना में, तो निश्चित है कि उनका दिमाग भी, उनका जो है मस्तिष्क का वजन भी कम होगा और दिल का वजन भी कम होगा, दिल का साइज भी छोटा होगा। तो पुरुषों का कहते हैं कि दिल भी बड़ा होता है, तो भैया इसका कारण यह है कि पुरुषों का जो शरीर है पूरा का पूरा वही बड़ा है, तो इसीलिए दिल भी बड़ा है उसका, मस्तिष्क भी बड़ा है उसका। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जानिए कि मस्तिष्क का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। ये 1650 ml होता है, इसका जो है वॉल्यूम कितना होता है 1650 ml, ये मस्तिष्क का होता है, इतना आप जान गए। अब इसमें समझिए कि जो मस्तिष्क होता है ये आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कठोर आवरण के अंदर में बंद होता है, उसको बोलते हैं, इस कठोर आवरण को बोलते हैं क्रेनियम, इसका नाम है क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? हड्डी है, एक प्रकार का हड्डी है। ये 8 हड्डी से मिलकर बना हुआ है, एक हड्डी नहीं है, 8 हड्डी है। ये 8 हड्डी के एक साथ जुड़ जाता है तो इस क्रेनियम बन जाता है, उसी के अंदर में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क बहुत कोमल होता है ना, अगर ऊपर से मजबूत खोपड़ी नहीं होगा तो मस्तिष्क पर तुरंत चोट लगेगा और तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसीलिए प्रकृति ने उसको एक बहुत मजबूत खोल के अंदर में भर दिया है। अब ये जो क्रेनियम है वो 8 अलग अलग हड्डियों से मिल के बना हुआ है और सब जो है एक ज्वाइंट से जुड़े रहते हैं। अब उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फाइबरस, उसको बोलते हैं, मतलब वो जो होता है ना रेशेदार जोड़ होता है, फाइबरस ज्वाइंट होता है, उसको बोलते हैं रेशेदार जोड़, या इसको बोलते हैं फाइबरस ज्वाइंट, इससे जुड़ा हुआ रहता है। हड्डी तो आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बड़ा मजबूत होता है वो, और जो मस्तिष्क होता है और जो हड्डी होता है उसके बीच में एक झिल्ली होता है। मस्तिष्क सीधे सीधे क्रेनियम से टच में आ जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन होकर के उसके अंदर में बीमारी हो सकता है और वह जान ले सकता है किसी व्यक्ति का। इसके लिए बीच में प्रकृति ने क्या किया है कि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक झिल्ली होता है, एक थैला होता है, एक कवर होता है जो 3 परतों में होता है। उस झिल्ली का नाम है मेनिनजोइस, इसको बोलते हैं मेनिनजोइक बोल देते हैं, तो मेनिनजोइक कहते हैं। ये मेनिनजोइक जो झिल्ली है, यह झिल्ली में जब इन्फेक्शन होता है तो लोगों को एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस, उसका नाम है मेनिनजाइटिस। यह एक प्रकार का बीमारी हो जाता है जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब मेनिनजोइक को समझ गए हैं, तो अब आप समझिए कि जो ब्रेन होता है वह किस चीज़ का बना हुआ है, वह किस चीज़ का बना हुआ है। हमारा जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा एक सेल से बना होता है, एक सेल है, उसका नाम है न्यूरॉन, इसका नाम है न्यूरॉन। हमारे शरीर के, हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। कहा जाता है कि हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और उसी से मिलकर के हमारा ब्रेन बना हुआ है, उसकी संरचना इसी तरह से है, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका का जो कोशिका होती है वह न्यूरॉन का बना हुआ है। न्यूरॉन क्या है कि सबसे छोटी इकाई है, किसका? इस तंत्रिका का। न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई कहा जाता है इसको, और न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। इसके अंदर में क्या है कि यह बढ़ता नहीं है, एक निश्चित आयु के बाद जो है वह तो क्षरण भी होने लगता है। 25-26 साल के जब हो जाइएगा तो मस्तिष्क का भार कहा जाता है कि धीरे धीरे घटते रहता है, 2 से 3 ग्राम पर ईयर घट जाता है। तो मस्तिष्क में ऐसे भी सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है।
सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका विभाजन करने के लिए जिम्मेवार है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका अपने आप को रीजेनरेट करती रहती है, अपने आप को बनाती रहती है, लेकिन न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप कहते हैं कि न्यूरॉन में जब सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है? कैंसर का मतलब होता है कि अनियंत्रित सेल डिवीजन जब होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तब कैंसर होता है। लेकिन मस्तिष्क के अंदर में भी, ब्रेन में भी तो कैंसर हो जाता है, तो इसका कारण दूसरा है। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वह 90% जो है वह 90% बना हुआ है न्यूरॉन सेल का, 90% जो है वो न्यूरॉन सेल का बना हुआ है, लेकिन 10% जो है वह न्यूरॉन ग्लियन सेल का बना हुआ है। उसको बोलते हैं न्यूरॉन ग्लियन सेल, ग्लियन सेल। अब इस न्यूरॉन ग्लियन सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसके कारण इसमें डिवीजन होगा, और जब इसी में अनियंत्रित डिवीजन होगा तो ब्रेन के अंदर में कैंसर होने लगेगा। हालांकि कैंसर का जो स्टेज होता है उसके पहला का जो स्टेज है, पहला का स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे ट्यूमर। ट्यूमर जो होता है वो ट्यूमर पहला स्टेज में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये हमारा ब्रेन जो है ना बहुत कमज़ोर है, ये बहुत ज़्यादा जो है यह सेंसिटिव होता है, इसमें कैंसर हो माने हो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, पहला ही जो स्टेज है ट्यूमर का उसी में मृत्यु की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे आप जान दीजिए न्यूरॉन सेल की जो लंबाई है उसको कहते हैं साइनोप्स, उसको साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स। इसकी लंबाई को क्या कहते हैं? साइनेप्स, साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को कहते हैं साइनेप्स। अब इसको इसमें जानिए कि जो साइनेप्स होते हैं वह उसमें एक सिरा होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। उसमें जैसे साइनेप्स, न्यूरॉन सेल आपने देखा होगा कि इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से बने होते हैं वो, इस तरह से देखते हैं कि इसमें बहुत सारी सिराएं निकली होती है, इसी को बोलते हैं एक्सॉन। और देखते हैं एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में खाली जगह है, तो आप कहेंगे कि खाली जगह जो होता है फिर वह सूचनाओं को कैसे पहुंचाता है मस्तिष्क में? तो इससे तो मान लेते हैं पहुंच जाएगा, लेकिन खाली जगह जो है उससे कैसे पहुंचेगा? तो उसमें भी एक तत्व होता है, उसको बोलते हैं सोडियम। सोडियम होता है जो इस खाली जगह की पूर्ति करता है और मस्तिष्क में सूचनाओं को वह भेजने का काम करता है, वहाँ से रिसीव करते रहता है। तो सोडियम शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। अगर कभी कभी आप जब थक जाते हैं, पसीना बहुत निकलता है, सोडियम बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है, तो शरीर सही से आपका काम नहीं करते रहता है, क्योंकि दिमाग को सही से खुराक नहीं मिल रहा है। उसके लिए लोग क्या करते हैं कि नमक चीनी का घोल मिला करके उसको देते हैं, ताकि उसमें उसकी सोडियम की पूर्ति हो जाए और उससे उसके उसको एक एनर्जी भी उसको मिल जाता है, उससे उसको ऑक्सीजन भी मिल गया और इससे उसको ग्लूकोज भी मिल जाता है, और दिमाग को एनर्जी जब मिलता है तो दिमाग सही से काम करने लगता है। देखिए, दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करता है। हम जितना भोजन करते हैं उसका 20% तो अकेले ब्रेन ही खा जाता है, ये 20% जो है वो अकेले ब्रेन खा जाता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारा जो ब्रेन है वह सुबह में बहुत अच्छा से काम करता है। सुबह सुबह में कहा जाता है कि इतना एनर्जी उसके अंदर में होता है, इतना ज़्यादा क्षमता होती है कि 10 वोल्ट का जो आपका बल्ब है उसको भी जलाया जा सकता है, इतना ज़्यादा एनर्जी होता है। इसलिए सुबह में उठ के पढ़ना चाहिए आदमी को। और दूसरी बात कि आपको हम अभी बताएं कि मस्तिष्क बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए हेलमेट लगा के चलना चाहिए, नहीं तो इसमें चोट लगेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबू आप सर में हेलमेट लगा के चलिए। अब आप ये जान लीजिए कि एक बात अभी आपको हमने बताया था कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ये जो जब जब क्षतिग्रस्त होगा तो फिर इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे शरीर में एक लीवर होता है जो रीजेनरेशन करते रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, लीवर अगर डैमेज हो गया थोड़ा बहुत, फिर वो अपने आप को ठीक कर लेता है। ज़्यादा एक्सेस शराब पीने से लगातार अगर करिएगा तब तो फिर वो डैमेज हो ही जाएगा, लेकिन वह रीजेनरेशन का काम उसमें होता है। अब आप पूरे के पूरे ब्रेन को जो है वह 3 पार्ट में बांटा गया है, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ये आगे वाला पार्ट है। मध्य मस्तिष्क जो है वह बीच वाला यहां पे पार्ट है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहां पे मिलेगा। वो हिंड ब्रेन जो है वो पीछे होता है, हिंड ब्रेन को छोटा दिमाग भी कहते हैं। आपने सुना ही होगा फिल्मों में कि ये धनिया इधर मत मार, इधर छोटा दिमाग होता है, इधर आदमी मार खाने से आदमी मर सकता है, तो आपने ये सुना होगा। अब देखिए, सबसे पहले आप फोर ब्रेन को समझिए। फोर ब्रेन जो है वह हमारे पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सेरिब्रम
थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब हम मिड ब्रेन का जो डिवीजन है उसको बाद में समझाएंगे, हिंड ब्रेन का भी डिवीजन होता है, उसमें भी है अलग अलग, उसको भी हम बाद में समझाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए सेरिब्रम को। सेरिब्रम जो है वह उप यानी कि उप अंग में सबसे बड़ा अंग है। अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन में सबसे बड़ा कौन है पूरे मस्तिष्क में, तो उसको कहेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वह पूरे मस्तिष्क का लगभग दो तिहाई हिस्सा, लगभग 66% हिस्सा को कवर किए हुआ है। तो और वह काम क्या करता है, वह सबसे महत्वपूर्ण काम करता है हमारे शरीर में, हमारे बुद्धि को, इंटेलिजेंसी को और मेमोरी को, यह दो चीज़ों का के लिए एकदम विख्यात है। और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, हमारा इंटेलिजेंसी कहाँ बनता है, हमारा तर्क शक्ति, हमारा मेमोरी पावर, हमारा जो पर्सनालिटी, हमारा इमेजिनेशन, ये सब कुछ का केंद्र बिंदु है सेरिब्रम। अब देखिए सेरिब्रम जो है ना वह पांच लोब्स में बटे हुए हैं, और उस लोब्स का नाम है, उस लोब्स का नामकरण है, एक फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, एक है आपका हिप्पोकैम्पस लोब है, और उस तरह से एक है पैरेंटल लोब, और एक है ऑक्सीपिटल लोब। इस सब का काम थोड़ा अलग अलग है, इसको आप समझ लीजिए क्योंकि ज़रूरी होता है। मान लेते हैं कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे थे, है ना, बचपन में तो होता है, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, अब वहाँ पे आपको कोई एक आपकी वाली जो है वो आपको पसंद आ रही है, वो अच्छी लग रही है आपको। क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि वह तर्क शक्ति में बहुत अच्छी है, उसका गणित बहुत अच्छा है, तो गणित बहुत अच्छा है तो आपको अच्छा लगने लगती है, तो आप क्या करते हैं उसको लाइक करने लगते हैं, फिर लाइक जब करने लगते हैं तो उसको लेकर के तरह तरह से इमेजिनेशन करते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब आप रात में सोते हैं तो सपना में भी आ जाती है वो, तो आपका देख रहे हैं टेम्पोरल सपना भी आ जाती है, अब सपने में आ जाती है, वहाँ भी आप कल्पना करते हैं कि कैसे होता अगर वो मिल जाती तो शादी कर लेते और फिर बाल बच्चा होता 3, 4, 5, 7 ऐसे। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप हिम्मत करके जाते हैं, उसको बोलते हैं कि देखो हम तुमको बहुत लाइक करते हैं, तुम क्या क्या खाती हो, क्या क्या पहनती हो हम सब जानते हैं, तुमको पिंक ड्रेस ज़्यादा पसंद है, तुमको जो है वो घुपचुप खाना ज़्यादा पसंद है, तो जो है हमको सब पता है, उसके मेमोरी में सब रिकॉर्ड है, क्योंकि उसको तो बार बार वो देख रहा है ना, और उसके पीछे पीछे तो सब कुछ उसके मेमोरी में कैच है, तो वो बताती है, बताता है लड़की को। तो अब वो क्या करती है, वो कहती है कि नहीं तुम्हारे जैसे लड़कों से हम थोड़ी वो करेंगे सेटिंग, तुम जाओ, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुम तो बेकार हो एकदम। अब वो बेचारा जो है ठुकरा दिया उसको, तो क्या करेगा वो एक गाना गाने लगेगा ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, तो वो क्या करेगा, एकदम गुस्सा में आ जाएगा और अपने अंदर में वो तय करेगा कि अब मेरे अंदर में जो है अब हम SP तो बन के रहेंगे, UPSC को क्वालिफाई करेंगे, तब आएंगे इसके सामने में, तब इसको बताते हैं कि हम कौन है, तब जो है वो क्या करेगा, विल पावर उसके अंदर में बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी और एक जगह कंसंट्रेट कर लेगा अपने दिमाग को UPSC पर, और एकदम हर हाल में उसको SP बनना है, तो क्या करेगा उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी जब आप कमीशन की तैयारी करिएगा तो पर्सनालिटी अपने आप अच्छी होने लगती है, फिर आपका व्यवहार भी एक दूसरे से अच्छा होने लगता है, आपका स्पीकिंग पावर कैसे किससे व्यवहार करना है तो वह भी आपके पर्सनालिटी में आने लगेगा। तो इसको आप समझ गए कि ये सबका केंद्र बिंदु है सेरिब्रम, और सेरिब्रम विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने सेरिब्रम को मजबूत करिए। बहुत भोंदू टाइप का लोग होता है, सेरिब्रम उसका कमज़ोर है, उसको कुछ याद ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति गया उसके यहाँ, कहेगा बउआ पप्पा घर पे है, तो कहा कौन है, अच्छा अच्छा मौसा जी है, तो वो कहेंगे अरे ये तो भोदू, तो भोदू नहीं है, भोदू उसका सेरिब्रम कमज़ोर है, इसके कारण वो भोदू टाइप का लग रहा है और मेमोरी जो है उसको ठीक से याद ही नहीं रख पा रहा है, इसके कारण हो रहा है। इसमें एक बात समझ लीजिए, हिप्पोकैम्पस जो होता है इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसमें अगर किसी भी तरह से कोई त्रुटि हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है एमनेशिया। एमनेशिया एक बीमारी हो जाती है, एमनेशिया में क्या होता है, इसमें जो ओल्ड मेमोरी होती है, ओल्ड मेमोरी यानी पहले से जो मेमोरी होती है वह टोटल लॉस हो जाता है, और जो नया नया मेमोरी है वह बनने लगता है, उसमें न्यू मेमोरी बनने लगती है। यह एक प्रकार का हार्ड डिस्क है, अब देखते हैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क ही है एक तरह से, इसमें न्यू मेमोरी बनेगा, पुराना वाला पूरा लॉस हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एमनेशिया नाम की बीमारी होती है। एक अल्जाइमर्स नाम का भी बीमारी होता है, अल्जाइमर्स क्या होता है उसको हम बताएंगे कि उसमें जो है वह
नया मेमोरी याद ही नहीं रहता है, पुराना वाला खाली याद रहता है। तो इसलिए जब मार्केट में थैली लेकर भेजते हैं, अगर किसी को है तो पत्नी भेजेगा थैली लेकर कि जाइए बैंगन ले आइए, तो जाएगा और वहीं भूल जाएगा, अरे बैंगन मांगी थी कि क्या मांगी थी, तो कुछ करेला उठा के ले आएगा और घर पर आके बात सुनेगा, तो उसको जो है अल्जाइमर्स नाम की बीमारी हो जाता है। तो उसके बारे में भी बताएंगे अभी आपको। अब आप दूसरा समझिए थैलेमस क्या होता है। तो थैलेमस के बारे देखिए, थैलेमस क्या करता है, थैलेमस का काम जो है वह देखिए स्वाद को फील करवाना। आपके टंग के अंदर में जो आप स्वाद कभी कड़वा लगा कभी मीठा लगा ये कैसे फील होता है, यहाँ से जो नर्व्स निकले होते हैं वह मस्तिष्क में चले जाते हैं और यहाँ के जो नर्व्स है वह जा करके थैलेमस को बताते हैं कि वह मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है कि कड़वा है। तो स्वाद को पता लगता है थैलेमस से। गंध कहीं आप सूंघते हैं अच्छा लगता है खराब लगता है, गुलाब का अच्छा लगता है और जो आप कचरा देखते हैं तो बड़ा खराब महकता है, वो क्यों, कि वहाँ से जो नर्व्स निकला होता है नाक से वह जाकर के थैलेमस को बताता है, सूचना देता है कि वो अच्छा है कि खराब है। उसी तरह से त्वचा, त्वचा से क्या होता है कि हमको पता लगता है कि बाहरी वातावरण कैसा है, मतलब वह गर्मी है ज़्यादा कि ठंडा है कि कैसा है। अगर बाहर में पूरे इन्वायरमेंट को बुखार लगा हुआ है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो फील करवाता है, वो पता लगता है कि गर्मी है कि ठंडा है। साथ ही बाहरी दर्द को, बाहर से जो दर्द होगा उसको ये फील करवाएगा। अगर किसी को आप एक चाटा मार दीजिएगा उसको दर्द होगा, तो दर्द होगा तो उसको फील करेगा, कौन फील करवाएगा, थैलेमस फील करवाएगा, अंदर के दर्द को नहीं फील कराएगा। सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, उसको फील नहीं करवाएगा। बाहर होगा, आप किसी को काट रहे हैं यहाँ से तो वो फील करवाएगा। अब चक्कू लेके अपने मार लीजिए इसे, तो आपको दर्द होगा, वो फील करवाएगा, अरे अपने मार रहा है चक्कू, अरे कैसा बेवकूफ़ है, दूसरे को ना मारो, दूसरे को दर्द होगा तो उससे तुमको क्या लेना देना है, दूसरे को भोंक दो। तो अपने को भोंकने से ये रोकता है थैलेमस, ये बाहरी दर्द को बताएगा आपको। तो इसीलिए ये थैलेमस भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई दारू वारू पी लिया हो खूब, और दारू वारू अगर पी लेता है तो उसको क्या, उसको जो है उसका तो ये जो थैलेमस है वो प्रभावित हो जाता है, उसको फील ही नहीं होगा। तो उसको जो है एक आध लात मार दीजिए, दारू पिया हुआ है उसको दो चार लात मार दीजिए, वैसे भी दो चार लात खाते रहता है तो खा लेगा तो उसको दर्द पता ही नहीं चलेगा, कहीं भी नाली में गिरा हुआ है। हालांकि सेरिबेलम प्रभावित होता है दारू पीने से, लेकिन उसके साथ साथ थैलेमस भी प्रभावित हो जाता है। तो बाहरी में उसको दो चार लपड़ भी खींच दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो तो कल पता लगेगा जब अगले दिन उठेगा, जब उसको आराम से जो है स्थिति में आएगा तब। अब देखिए हाइपोथैलेमस का क्या काम है, कि आपके उम्र के जो लोग होते हैं जो अभी युवा है वो सारे के सारे इससे बहुत ज़्यादा नियंत्रित होते हैं, यह बहुत ही खतरनाक है। तो क्या क्या काम है उसको आप देख लीजिए। देखिए आपको भूख लगता है, जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है तो आपको अनुभव होता है कि और एनर्जी डालो। ये एनर्जी कैसे पता लगता है कि एनर्जी कमी हो गई, ये हाइपोथैलेमस बताता है। आपके अंदर में भूख लग जाता है, भूख को आप रोक नहीं सकते, आपको एनर्जी लेना ही पड़ेगा नहीं तो आप ही मर जाइएगा। उसके बाद प्यास, प्यास भी लगता है, थर्स्टी, आपके शरीर के अंदर में पानी की कमी हो रही है, तो वो कौन बताएगा मस्तिष्क को, वो जो है हाइपोथैलेमस बताता है कि देखिए भैया आपको प्यास लग गया है, अब आप पानी डाल लीजिए अपने अंदर में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह से नींद, आपको नींद आने लगता है रात में देखते हैं, तो नींद को प्रेरित कौन करता है, यही हाइपोथैलेमस, नहीं तो अगर ये खराब हो जाए तो नींद भी आना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से आपके अंदर में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ के प्रति आपका बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, आप यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने लगते हैं, आप गाना गाने में रुचि रखते हैं, आप किसी और चीज़ में रुचि रखते हैं, तो जो इंटरेस्ट पैदा होता है रुचि, वह हाइपोथैलेमस के कारण होता है। आपका मूड कैसा है, बढ़िया है, कभी खराब है, कभी अच्छा गाना सुन रहे हैं, कभी आपका एकदम ऑफ हो गया, ये सारा मूड वूड जो होता है ये सब जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। साथ ही साथ सबसे पूर्ण ये देखिए लव, लव जो होता है आपके शरीर में, मतलब आपके शरीर हम कह रहे हैं लव का जो फीलिंग्स होता है, वह फीलिंग्स भी इसी हाइपोथैलेमस के कारण, ये हाइपोथैलेमस के कारण जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, इसी के कारण से पैदा होता है आपके शरीर के अंदर में। आप किसी चीज़ को देखते हैं 7-8 सेकेंड तक लगातार देखते रहिएगा तो उसके प्रति आपका जो है आकर्षण पैदा हो जाएगा, और आकर्षण पैदा होगा तो आप उसके प्रति कुछ ना कुछ मोहित हो जाइएगा, फिर जो है आपको जो है उसको पाने का इच्छा करेगा, है ना। उसी तरह से आपके अंदर में लव पैदा हो जाता है, तो लव जो पैदा होता है ना, ये सब हाइपोथैलेमस का कमाल होता है या इसका बदमाशी होता है। ये ऐसा लव दिल से नहीं होता है, दिल में कहीं सोचने उचने का क्षमता नहीं है, नहीं यह कंट्रोल करता है। दिल का काम क्या है, दिल का काम है खून को पंप करना, खून जो है वह हर्ट जो है वह फेफड़े को देता है और फेफड़ा पूरे शरीर में सर्कुलेट करवा लेता है। तो जो हर्ट है ना उसका काम सिर्फ और सिर्फ धड़कना है, खून को पंप करना है, ये न सोच सकता है न समझ सकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि दिल से प्यार करते हैं, और दिल से सोच के बताइए, अरे दिल
ना सोच सकता है, ना प्यार कर सकता है, कुछ भी नहीं, इसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होता है, जो भी फीलिंग होता है वो सब हाइपोथैलेमस में होता है। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि हम दिल से ये काम कर रहे हैं या दिल टूट गया। अरे भैया, दिल टूट जाएगा तो आप ही मर जाइएगा। दिल जो है ना, उसका काम करते रहना पड़ता है, ये बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ भी स्वस्थ रखिए। अगर आपका ये हाइपोथैलेमस गड़बड़ाया तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो प्यार मोहब्बत होता उतना नहीं है कहीं भी, यह सब एक तरह से अट्रैक्शन होता है, यह कोई सच्चा प्यार वार नहीं होता है। सच्चा प्यार खाली माँ बाप से और आपके लोगों से होता है, कुछ दोस्त है उसके बीच में हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है किसी को देखिए और हो गया तो कहेंगे अरे भैया ये तो हो गया। और उसके बाद जब जो है, जब दिल टूटता है ना, दिल कहते हैं कि दिल टूट गया, उसके बाद देवदास बन जाते हैं, गाना गाने लगते हैं तरह तरह का, तो वो सब जितना जो है ना, ये सब हाइपोथैलेमस का कमाल है। ये आपके अंदर में किसी के प्रति बहुत गुस्सा भर जाता है, हेट एकदम नफरत करने लगते हैं कि वो अगर आ जाए तो एकदम चीर के रख देंगे, ऐसा वाला हेट रहता है, ये सब हाइपोथैलेमस के कमाल है। हाइपोथैलेमस में ही ये सब होता है। उसी तरह से गुस्सा आ गया किसी के प्रति, एकदम जो है से वो है स्माइल, किसी को देख करके आपको अच्छा लग रहा है, कोई छोटा बच्चा होता है तो देख के अच्छा लगता है, किसी जानवर का बच्चा होता है अच्छा लगता है देखने में स्माइल, ये सब जो है हाइपोथैलेमस में बन रहा है। उसी तरह से इंटरनल पेन, इंटरनल जो होता है इंटरनल पेन, आपके शरीर के अंदर में जैसे पेट दर्द हुआ, कहीं पे सर दर्द हुआ, उसको कोई देख नहीं सकता है, आप भी जो है बाहर से उसको अनुभव नहीं, अंदर ही अंदर हो रहा है। तो अंदर का जो पेन होता है, अंदर के अंदर, अंदर का जो तापमान होता है, वो सब जो है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा वो कंट्रोल होता है, उसमें समन्वय होता है, और हाइपोथैलेमस उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नियंत्रित कर देता है। अब सोचिए इतना खतरनाक होता है कि जब हाइपोथैलेमस आपका ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपके उम्र में ज़्यादातर होता है बच्चों को, कि उनका हाइपोथैलेमस इतना ज़्यादा रहता है कि वो किसी भी चीज़ का परवाह नहीं करते हैं, वो एकदम ये करना है तो कर देना है एकदम, तो वो जो है वो हमर वाली है तो ओकर वाली है, तो भौजी है तो भैया है, ये इसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। पढ़ाई लिखाई जो है उनको करना चाहिए था सेरिब्रम में ज़्यादा काम, उनका बुद्धि बढ़ता है, इंटेलिजेंसी, लेकिन वो जो है हाइपोथैलेमस से प्रभावित होकर के वह कुछ और ही काम करने लग जाते हैं और अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको ज़्यादा एक्टिव नहीं होने दीजिए। एक्टिव ज़्यादा कैसे हो जाएगा, अगर इसको सल्फोनिक, अगर आप ज़्यादा खाना खाइएगा जिसमें सल्फाइट्स वगैरह की ज़्यादा मात्रा होती है, सल्फोनिक खाना जिसको बोलते हैं, जिसमें प्याज होता है, लहसुन होता है, इस सब में ज़्यादा होता है, तो साधु संत क्या करते हैं कि उनका हाइपोथैलेमस कंट्रोल में रहे उसके लिए वह ज़्यादा मसालेदार खाना या सल्फोनिक खाना नहीं खाएंगे। नहीं तो फिर अगर वो ज़्यादा खाना खाएंगे, हाइपोथैलेमस उनका ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो फिर वो चले जाएंगे वो कहाँ पे, वो एक गुफा वाला बाबा वाला इस श्रेणी में पहुँच जाएंगे, अब पहुँच जाएंगे जेल में। तो इसके लिए वो भी जो है वो एकदम स्वच्छ और सादा खाना खाते हैं। तो आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, खास करके जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं उनको भी सादा खाना खाना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा, और चूंकि उनको ब्रह्मचारी की तरह पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आपका एक समझ लीजिए कि तपस्या है। वो आपने विवेकानंद को सुना होगा कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ते थे, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में किए हुए थे, और आदमी कितना सफल है वह इससे बहुत निश्चित हो जाता है। और इतना खतरनाक है कि शरीर के सारे अंगों को पर प्रभावित प्रभाव डाल देता है, जब इसका अंधर चलता है, इसकी आंधी जब चलती है हाइपोथैलेमस को, तो बाकी सब को पीछे छोड़ देता है। तो इसके लिए आपको इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, और कंट्रोल करेंगे तभी आप सफल होंगे। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं मिड ब्रेन का कितने पार्ट है और इसका काम क्या क्या। मिड ब्रेन का दो पार्ट है, मिड ब्रेन में क्या क्या होता है, एक होता है कारपूरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक है सेरिब्रम, हमने अभी आपको बताया था, एक है सेरिब्रल, इसमें ल लगा हुआ है, उसमें म लगा हुआ है, और एक होगा सेरिबेलम, वो वही बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप समझिए कि कारपूरा क्या होता है। कारपूरा देखिए, कारपूरा का मेन काम है देखने और सुनने का। ये क्या करता है कि अगर किसी चीज़ को आप देखते हैं तो क्या करते हैं, आँख की रोशनी से उसको आप देख पाते हैं, वहाँ का प्रकाश आपके आँखों तक आती है, और आँख के अंदर में ऑप्टिक नर्व होता है, वह ऑप्टिक नर्व जो होता है वह न्यूरॉन्स वो चला जाता है कहाँ पे, मस्तिष्क के अंदर में, और वहाँ जाके मिड ब्रेन के अंदर में जो कारपूरा होता है वह उसको पहचान लेता है कि वह क्या देख रहा है, वो क्या चीज़ देखा है। अगर पहले से देखे हुआ है तो भी पहचान लेगा, अगर नया चीज़ देखा है तो भी पहचान लेगा, यानी कि देखने का काम वो करता है। फिर सुनने का, आपके ईयर के अंदर में भी होता है नर्व्स, और वह नर्व्स जो है वह जाता है कहाँ, कारपूरा तक, और वहाँ वो सूचना देता है कि किस तरह की आवाज़ें आ रही है। कोई अगर खिखिया रहा है, खिखी कर रहा है, तो समझ जाते हैं आप कि क्या बोल रहा है, बंदर बोल रहा है कि कुत्ता का आवाज़ आप पहचान लेते हैं, भाव भाव भाव, या कैट की आवाज़ को पहचान लेते, कैसे पहचानते हैं, वह सब काम करता है
है कारपोरा, कारपोरा के द्वारा वो पता लगता है कि आवाज़ किस तरह की है, भयानक आवाज़ है, अच्छा आवाज़ है, क्या है, खतरे की आवाज़ है, इसको भी आप भांप जाते हैं तुरंत। और तो देखने और सुनने, अब किसी किसी आदमी का अगर ये खराब हो जाए कारपोरा तो वो भोंदू टाइप का हो जाता है, वो उसको अगर वो ठीक से नहीं देख रहा है उसको कहिएगा क्या रे बउआ की हाल चाल है, तो आए कौन है भैया, अरे हम है तुम्हारे बाप है, अच्छा पप्पा है, ओह, तो ये ऐसे हो जाता है बच्चा, बच्चा का गलती नहीं है, बेचारा भोंदू इसलिए हो गया कि कारपोरे उसका खराब है। अब देखिए सेरिब्रल पेंडिकल का काम क्या है, सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है वो हमारे मस्तिष्क को स्पाइनल कोड से जोड़ता है, ब्रेन से स्पाइनल कोड के बीच में जोड़ने वाला एक कनेक्शन होता है सेरिब्रल पेंडिकल, एक प्रकार का कनेक्टर अंग है ये सेरिब्रल पेंडिकल। स्पाइनल कोड क्या होता है, देखिए हमारा जो ब्रेन है ना इसके पीछे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक मोटी नस जाती है इसके यहाँ तक, रीढ़ की जो हड्डी आप देखते हैं ना रीढ़ की हड्डी उसी के बीच में एक मोटी नस गई हुई है, उसको रज्जू कहते हैं, मेरु रज्जू, रज्जू माने रस्सी, रस्सी की तरह ही है, तो मेरु रज्जू जो होता है स्पाइनल कोड उसको बोला जाता है, वह भी एक दिमाग ही है, उसको दूसरा दिमाग कहते हैं, वो सेकेंड ब्रेन है हमारे, अगर उसमें चोट लग जाए या टूट जाए या किसी रीढ़ की हड्डी पर मार दीजिए जोर से टूट गया तो वह उसकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि रीढ़ की हड्डी टूट गई बल्कि मृत्यु इसलिए हो जाएगा कि उसका दिमाग ही टूट गया, उसका ब्रेन ही टूट गया, ब्रेन टूटने पर आदमी जिंदा रहेगा जी नहीं रहेगा, वो तो मर ही जाएगा, इसीलिए रीढ़ की हड्डी नहीं टूटे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना की जरूरत पड़ती है और इसको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो अभी इसके बारे में और भी आपको डिटेल से बताते हैं, अब आप समझिए हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन का पार्ट को सेरिबेलम, दूसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और तीसरा है पोन्स वेरोलाई। तो ये जो तीन पार्ट है इसका फंक्शन क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए सेरिबेलम जो है उसको बोलते हैं हिंदी में अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का इसको बोला जाता है कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, पहला आप सेरिब्रम को मानते थे और दूसरा है सबसे बड़ा जो है सेरिबेलम है। सेरिबेलम का काम क्या है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, बैलेंस को बना के रखता है, यानी कि हम जो ऐसे खड़े हैं और हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो क्यों खड़े हैं, क्योंकि हमारा सेरिबेलम ठीक है। अगर कोई व्यक्ति का सेरिबेलम खराब है तो वह ढनमनाते रहता है, गिरते रहता है इधर उधर इधर उधर, जैसे अगर कोई शराब पी ले, अल्कोहल की अधिक मात्रा ले लेता है तो ज़्यादा मात्रा में लेने से क्या होता है, उसका सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है, सेरिबेलम को वह थोड़ी देर के लिए शून्य कर देगा, सेरिबेलम काम ही नहीं करेगा सही से, तो क्या होगा वह व्यक्ति पिएगा, इधर से पिएगा इधर उलट जाएगा, इधर से पिएगा उधर उलट जाएगा। अब देखते हैं शराबी को किस तरह से रहता है, शराब पीने वाला जो है वो प्रधानमंत्री भी उसके सामने एकदम फेल है, कलेक्टर भी उसके सामने कोई चीज़ नहीं है, वो अपने कमीशन होता है, अपने कलेक्टर होता है, अपने सब कुछ फरिया लेता है। आजकल जो है आप देखते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से शराब को बंदी करवा दिए हैं, नहीं तो लोग पीपी करके सड़क पे निकल जाते थे और वहाँ पे अपना दिखाने लगते हैं, किसी के साथ कोई भी गाली गलौज उलौज करने लग जाते थे, अभी तो पीते हैं तो एकदम घर के अंदर में होते हैं, अगर आप कह दीजिए कि दारू पिया है अभी हम फोन करते हैं अभी लगा रहे हैं तो भाई साहब ये तो उस तरह से होने लगता है, तो एक अच्छा स्थिति है। उसी तरह से एक ध्यान अटेंशन का भी काम क्या कौन करता है, सेरिबेलम। अगर आपका शरीर जो है किसी काम को करते करते अभ्यस्त हो जाता है तो वह अटेंशन हुआ और वह काम आप कर सकते हैं बड़ी इजी वे में, जैसे कोई रस्सी पे चल लेता है, कहीं कहीं देखते हैं कहीं कहीं पे लगा होता है तो आप देखेंगे कि बच्ची जो होती है छोटी सी वो रस्सी पे चल जाती है, आप अगर उस तरह से रस्सी पे चलने की कोशिश करेंगे नहीं चल पाएंगे, सर्कस में देखते हैं किस तरह से लोग चल जाते हैं, क्योंकि यह ध्यान को भी बताता है, अगर किसी काम को लगातार आप करते जाते हैं तो वह आपके दिमाग के अंदर में आ जाएगा, आपके व्यवहार में आ जाएगा, तो वह ध्यान एनी अटेंशन भी जो है वह सेरिबेलम के द्वारा निश्चित होता है, तो सेरिबेलम को हमेशा ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा आप देखिए इसका दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा, यह क्या करता है, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएँ होती है हमारे शरीर में जो हमारे इच्छा से नहीं होती है वह सबका संतुलन करता है, सबका केंद्र बिंदु यही है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है यहाँ पे होता है और वह क्या क्या काम करता है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे पाचन की क्रियाएँ होती है वो हमारे बस में नहीं है, हम कुछ भी खाते हैं तो अपने आप पचते रहता है, तो पचने का काम जो है वो जो होते रहता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम है। आप जानते हैं दो प्रकार की क्रियाएँ होती है मेटाबॉलिज्म में, एक होता है एनाबोलिक होता है कैटाबोलिक, एनाबोलिक कैटाबोलिक में क्या अंतर है, एनाबोलिक का मतलब होता है बनना, जैसे दो जैसे 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन बना लेते हैं तो आप बन रहे हैं, उसी तरह से कैटाबोलिक क्या होता है टूटना, जैसे जो हम भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के रूप में वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं और तब जाकर के वह एनर्जी पैदा होता है और तब वह एनर्जी हमें मिलता है, उसका 20% तो अकेले हमारा ब्रेन खा जाता है। उसी तरह से
हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट को आप रोकना चाहेंगे नहीं रुकेगा, हार्ट बीट अपना काम करते रहती है, इसका काम ही है रक्त का पंप करते रहना, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। इसी तरह से उत्सर्जन, अगर हमारे शरीर में बहुत गर्मी लगता है तो क्या होता है, पसीना निकलने लगता है, तो पसीना निकलने लगा श्वेत ग्रंथि। उसी तरह से हम जब बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर मूत्र विसर्जन करते हैं, तो वहाँ भी जो है उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको भी आप रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह से रक्त परिसंचरण है, वो होते रहता है, उल्टी उल्टी कोई की व्यक्ति को देखते हैं, किसी चीज़ को खा लिया, ज़्यादा खा लिया, बहुत फूस फूस के खा लेंगे तब भी उल्टी हो जाता है कभी कभी। उसी तरह से छींकना, छींकना है, आ गया छींक, अब उसको आप रोकने की कोशिश करिए, रुकेगा नहीं, वो छींक निकलेगा ही निकलेगा, वो मेडुला ऑब्लोगंटा के द्वारा होता है। उसी तरह से खर्राटे लेते रहते हैं, कुछ कुछ देखते हैं, कुछ कुछ लोग जो होते हैं जैसे मोटे तोंद वाले, वो रात में एकदम खर खर की आवाज़ करते रहते हैं, दूसरे को भी जगा देते हैं, वो सारा काम मेडुला ऑब्लोगंटा का है, उनका गड़बड़ हो गया, इसीलिए खूब खर्राटे लेते हैं। उसी तरह से डकार आना, कभी कभी खा लेते हैं खट्टा मीठा, जैसे ज़्यादा घुपचुप खा लिए, ज़्यादा फुचका खा लिए, डकार उगर आएगा। उसी तरह से आँख का झपकना, हमारा जो पुतली है बार बार झपकते रहता है, इस पर भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, यह मेडुला ऑब्लोगंटा का काम है। तो आप कभी अपने पपनी को देखिएगा, ज़्यादा देर रोक नहीं सकते हैं, वो आँख से आपका पानी निकलने लगेगा। तो यह सब काम जो है मेडुला ऑब्लोगंटा का है। इसी तरह से उल्टी होना, उल्टी तो हम आपको इसमें हाँ लिख ही दिए हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है एग्जाम में कि वोमिटिंग किसके कारण से होता है, मेडुला ऑब्लोगंटा उसके लिए जिम्मेवार है, तो इसको आप याद रखे रहिएगा। अब आप जान लीजिए कि मस्तिष्क का पूरा हमने अभी आपको बताया है, ये अब आप तंत्रिका तंत्र के भाग को समझ लीजिए। देखिए स्पाइनल कोड में क्या होता है, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु, या कहाँ से शुरू होता है, इसको सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं, यहाँ फोरमेन मैग्नम एक गड्ढा होता है यहाँ पे, इसमें अगर आप कभी देखे होंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे मार के देखिएगा, यहाँ पे एक गड्ढा नजर आएगा आपको, या गड्ढे पे अगर जोर से किसी को मार दिया जाए फोरमेन मैग्नम पे तो आदमी मर भी सकता है, इसीलिए कराटे वाले जो है यहाँ पे कभी कभी मार देते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ से पीछे कहाँ तक, कटी कसेरुक तक, यहाँ तक एक पूरा हड्डी आप देख रहे हैं पीछे, रीढ़ की हड्डी, इसी हड्डी के अंदर में एक मेरुरज्जु होता है, उसको आप नस कहिए, मोटा सा रस होता है, उसी को कहते हैं स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड जो होता है वो भी बहुत संवेदनशील होता है, इसीलिए उसको एक प्रकृति ने क्या किया है कि बहुत ही हार्ड वाला एक समझ लीजिए कि हड्डी है, उसी के अंदर में उसको सुरक्षित कर दिया है, तो यहाँ पे वो मिलता है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में होता क्या है ये देख लीजिए, इसमें से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है। अभी आप पढ़े थे कि ब्रेन से कितना जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है, ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है, और स्पाइनल कोड से वह 31 जोड़ी तंत्रिका निकलता है जो पूरे शरीर में फैला होता है, इधर से 31 दोनों मिला दीजिएगा तो 62 हो जाएगा। तो 31 जोड़ी और 62 को निकलता है, और इसको सेकेंड ब्रेन कहते हैं, या रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं उसको वह नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे अचानक कोई काम हो जाना, चौक छींकना, खांसना, या कभी कभी आप चौक जाते हैं किसी चीज़ को देख करके अचानक से, तो उसको नियंत्रित करने का काम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन है वो, और हमारे जो शरीर में जो हलचल हो रही हो वो, उसके बीच का एक कनेक्शन करता है, ये एक प्रकार का योजक कड़ी जिसको कहते हैं वो है, योजक कोड है एक प्रकार का। जैसे आप अचानक कहीं बैठे हुए हैं और आप कहीं किताब पढ़ रहे हैं, या किसी के ख्यालों में आप खोए हुए हैं, आराम से आप खोए हुए हैं, अब पीछे से आता है और कोई आकर के आपको जोर से धक्का दे देता है ऐसे, हे, तो आप एकदम चौंक जाते हैं, कौन है रे, तो आप देखते हैं तो कौन है, अब देखते हैं अरे तुम है, और उसके बाद जो है से आप फिर आराम स्थिति में आ जाते हैं। जो चौंक गए जो अचानक, वह क्रियाएँ क्या कहलाती है, वह रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। और होता क्या है कि ब्रेन जो है, ब्रेन तो आपका सोचने का काम कर रहा था, किसी जगह कंसंट्रेट था, ब्रेन का काम कहीं और था, और कोई पीछे से आया और आपको कोई ठेल दिया, कोई पीछे से आके आपको स्विच हो दिया, आप कहीं और रहते हैं, मस्तिष्क कहीं और लगा हुआ है, कोई आके पीछे से स्विच हो दिया, तो उसका काम जो है वह काम देखता है स्पाइनल कोड। ब्रेन जो है वो हमेशा काम करते तो रहता है, लेकिन जब वह बिजी रहता है तो अपना काम जो है वह स्पाइनल कोड को दे देता है। अपना स्टेफनी भी रखे हुआ है ब्रेन, वह स्टेफनी जो है वह स्पाइनल कोड है, उसको देता है कि भैया हम इधर बिजी है, अगर कुछ होता है हलचल शरीर में तो तुम देखना, ये तुम्हारे पास जो है ऐसे भी 31 जोड़ी तंत्रिका है ही, उससे तुम देखना, तो अचानक कोई इसमें स्विच हो दिया तो अचानक से आप वो चौंक जाइएगा, आपको दर्द महसूस होगा जैसे ही। तो ये काम जो है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये सारा काम स्पाइनल कोड का है। अब देखिए
इसमें स्पाइनल कोड आप समझ गए, तो अब आप जो है तंत्रिका तंत्र को आप समझ लीजिए। तंत्रिका तंत्र का तीन भाग है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें दो पार्ट है, एक ब्रेन एक स्पाइनल कोड। ब्रेन को आपको हम पहले ही बता दिए हैं और स्पाइनल कोड अभी हमने आपको बता दिया, तो ये दोनों आपका खत्म हो गया, एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, और इसके अंदर में ब्रेन जो है वह सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसको आप समझ गए। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए इसमें 12 जोड़ी जो कपालीय तंत्रिका है जो हमारे ब्रेन से निकल रहा है उसको बोलते हैं कपालीय तंत्रिका। वह 12 जोड़ी जो कपालीय तंत्रिका है उसको मिला करके, और जो आप स्पाइनल कोड है उसके साथ जो निकला हुआ 31 जोड़ी तंत्रिका है उसको मिला करके, अगर दोनों को मिला दीजिए तो वह बन जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, यह मुख्यतः अचानक होने वाली जो क्रियाएं होती है आपके शरीर में उसको यह नियंत्रित करता है, बाहर बाहर से नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ करके सूचना संचार प्रणाली का काम करता है, एक प्रकार के सूचना संचार स्थापित कर लेता है। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे मच्छर आपको काट रहा हो, तो मच्छर काट रहा हो और आप पढ़ने में बिजी है, किसी दूसरे टीवी देखने में बिजी है, फिल्म देख रहे हैं, मच्छर काट लिया तो अनुभव कैसे होगा, यही जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको संकेत भेज देता है दिमाग को कि यहाँ पे कुछ काट रहा है, तो आपका हाथ जो है फट से उठ करके आप मच्छर को क्या करते हैं कि उसको जो है वहाँ फोटो स्टेट कर देते हैं, उसका फोटो को भी बन जाता है, फिर मच्छर नीचे गिर जाता है। तो ये काम जो है ये आपका नर्वस सिस्टम ने किया, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ है, देखिए अभी आपको मैंने बताया कि 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बना, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है कुछ 12 जोड़ी जो निकला हुआ है कपालीय तंत्रिका उसमें से कुछ तंत्रिका से, और स्पाइनल कोड से निकला हुआ 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के कुछ तंत्रिका से मिल करके यह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनता है। इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, मेडिकल साइंस अभी भी इसके बारे में लगातार खोज रहा है, और इसके बारे में अभी कन्फर्म जानकारी किसी को नहीं है कि यह पैदा कैसे होता है। हालांकि मेडिकल बहुत सारा काम इस पर कर चुका है और बहुत कुछ इसमें अभी भी मिलना बाकी है। देखिए यह काम क्या करता है, यह दो प्रकार का काम करता है, एक तो अनुकंपीय काम, दूसरा है परानुकंपीय। ये क्या होता है अनुकंपीय परानुकंपीय, देखिए अनुकंपीय होता है वैसे काम जिससे जो अचानक होता है, जैसे आप डर जाते हैं तो डर जाते हैं तो डर के मारे क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि डर के मारे आपका धड़कन तेज हो जाएगा, आप जो है हांफने लगिएगा, आपका जो है वो बाल कभी कभी रोंगटे खड़ा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि पसीना आपके अंदर से निकल जाएगा डर के मारे, कभी कभी हृदय गति बढ़ जाता है, एकदम धड़धड़ धड़धड़ बढ़ने लगता है, सांस फूलने लगता है ना, आपका पाचन तंत्र भी गड़बड़ाने लगता है, और कभी कभी तो पेशाब भी निकल जाता है, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती है, सब क्रिया को बोलते हैं अनुकंपीय क्रिया है, अचानक से हो जाता है शरीर के अंदर में, और जब आप धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, आपको लगता है नहीं अब तो सामान्य हो गया है, और जब वो परिस्थिति खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं परानुकंपीय क्रिया है, यानी परानुकंपीय जो है वह नॉर्मल वे को कहते हैं और अनुकंपीय है अब नॉर्मल वे को कहते हैं, समझे इसको, नहीं समझे तो एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। मान लेते हैं आप किसी पार्टी में गए और पार्टी आप कर रहे हैं कुछ दोस्तों के साथ, और आप चले जाते हैं छत पे, नीचे पार्टी चल रहा है आप छत पे चले जाते हैं, होता क्या है आप छत पे चले गए और बैठे हुए हैं, वहाँ पूरा अंधेरा है एकदम चारों तरफ से, अब चारों तरफ से अंधेरा है, अचानक से बैठे हुए हैं कुर्सी पर, आपको क्या होता है कि थोड़ा डर भी लगता है कि पूरा अचानक से अंधेरा है कुछ भी हो सकता है, और आप अचानक से सुनते हैं एक आवाज़, मान लेते हैं पायल की आवाज़ आप सुन रहे हैं झन झन झन, अब आपको और डर लग गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है, और वो आवाज़ धीरे 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 आपके नज़दीक में आ रहा है, तो क्या होगा आपका जो है रोंगटा खड़ा हो रहा है, आपका बाल खड़ा हो रहा है, आप जो है आप अंदर से हांफने लगिएगा, आपका पसीना छूट जाएगा, आपका जो है वो जो क्या बोलते हैं हृदय की गति हार्ट बीट वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, और वह अचानक से आपके नज़दीक में भी आ रहा है, धीरे 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 करके नज़दीक में आ रही है, और आपके पीठ पे वो हाथ ऐसे रख दिया, आपको अनुभव हुआ कि कोई हाथ रख दिया यहाँ पे, अब आप धीरे धीरे पीछे मुड़ करके उसको देखते हैं ऐसे ऐसे कि कौन है भाई, आप देखते हैं
कि पूरा एकदम बाल जो है एकदम बिखरा हुआ बाल है, एकदम जो है एकदम व्हाइट वस्त्र है, एकदम व्हाइट जो है से कपड़ा पहने हुए, आप और डर जाते हैं, आपका हालत एकदम पूरा ख़राब, आपको लगता है ये क्या होगा, और आपको आपका जो है से डर के मारे मूत्र विसर्जन भी हो सकता है। फिर आप देखते हैं गौर से जब देखते हैं तो देखते हैं कि धत्तोरी के ये तो जो है ये तो हमरे वाली है रे, तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। वो इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा था क्योंकि वह जो है मेकअप में नहीं थी, इसीलिए ना ऐसा दिखाई दे रही थी। अब जो है तो तब आप क्या होते हैं, तब आप नॉर्मल होने लगते हैं, फिर आपका जो धड़कन है वो धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में हो जाता है, आपका सांस भी जो फूल रहा था वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, आपका जो त्वचा खड़ा हो गया था, त्वचा के जो है बाल खड़े हो गए थे वो भी धीरे धीरे शांत हो गए, आपके कभी कभी आंसू निकल जाते हैं आँख के, वो भी अगर निकल गए वो भी अब आपका शांत हो जाएंगे, अगर आपने पेशाब वगैरह कर दिया है तो वो भी आपका रुक जाएगा, बाद में कहेंगे ठीक है तू यहाँ बैठो हम आते हैं कपड़ा बदल के। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ गए हैं। अब एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, तंत्रिका तंत्र का तीन भाग है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन पार्ट है और ब्रेन के बाद एक स्पाइनल कोड आता है, दो इसका पार्ट हो गया, दोनों के बारे में आपको बता दिए हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र है, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर बना हुआ है, ये अचानक होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा आपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम देख लिया, यह ब्रेन से आने वाली कुछ तंत्रिकाओं और स्पाइनल कोड से आने वाली कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है और यह अनुकंपीय और परानुकंपीय क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। इतना आप समझ गए, आई होप कि आपको यह सब समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार और रिवीजन करके देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं आपको नया और नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद।